आगे वाली गाड़ी पर हमने शक भले कि गाड़ी का है रुक लियो फलान फलान आदमी हो, तब तक हमने के बाइक कुछ धीमे की भले तो बाइक आगे ले दिया, आके साइड से गोली चला बोलो, गोली चला के दोनों गाड़ी संगे गली से आगे गोली दुए को चलल की दुए, ना दुए गोली चलल हमने गिर गई से बाइक से। हाँ ना बोलो चल दे। दस बजे का समय रहल लमसम तनिक कम हो चाहे दस बजे तो हमने वहाँ चल से तब गायत्री माता एगो मंदिर अथी बा वो मोड़ पर तीन आदमी बैठल बने अपाची गाड़ी भी या तीन दिन बैठे रहने तो हमने की सब कह रहा कि मैंने कि लोग ऐसे नहीं छाती से करी। हाँ ना वो लोग बाबू साहब के लिखा रहा वो बाद हम चल नहीं सके प्रशासन बा हाई स्कूल पर। हाँ ना इस हमने निडर रह नहीं सके प्रशासन बात तो केहू कुछ ना करी। प्रशासन से हमने के कम से कम 100 गज दूरी मैंने आगे निकल धोबी को डेरा बाट धोबी लोग टोला जैसे धोबी टोला पार कर दे दो मैंने बाइक अवतारी से एगो बाइक आगे चल गई आगे जाके ओकर धीमी गति अथी हो गई। हम मनियो कुछ मोटरसाइकिल धीमी गति भाई आगे जौन बाइक गई काहे धीमी हो गई। हाँ ना लेकिन आदमी चिन्हैले के ओकर पीछे वाला जौन बाइक आई हमने के साइड से मैंने साइड में से आके गोली चला दिलस लेकिन प्रशासन के सामने वो अपराधी आएल बा। अभी एक आदमी गिरफ्तार बा प्रशासन में अगर छेड़छाड़ करी तो हमें आंदोलन पर उतरम सब सड़क जाम करम सब थाना जाम थाना के मैंने गिरफ्त करम सब। इस सवाल सारण एसपी से बा कि रउआ का करतनी राउर पुलिस का करती है जवन गांव या पंचायत हाले फिलहाल जरल रल इतना बड़ त्रासदी झेल के गांव उबरल बा आ फिर से गांव में अगर इस तरह के खूनी खेल खेल जाता तो ये वाकई में सरकार पर प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल बा। का साँचो सुशासन के सरकार हो या कुछ और हो। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। आज जहां हम मौजूद बने ये वह जगह है जहां आज से कुछ दिन पहले ये आग में जलत रहे और जाके नेता लोग आग में जलावे के पूरा कोशिश कर रहे कि गाँव जल के पंचायत जल के राख हो जाओ। हम अभी बानी छपरा जिला के माझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर पंचायत में। मुबारकपुर पंचायत के ये मैनपुरा गांव हटे और यहाँ के पूर्व मुखिया हरिंदर यादव जो 3 बार मुखिया रहे 15 साल तक वहाँ के मुखिया रहनी वहाँ के हत्या 3 तारीख के कर दल गई बा। ऐसा पता चलता वहाँ को नेता वगैरह में से लौट के आवत रही तो वहाँ के हत्या कर दल गए। एक बार फिर से पंचायत और गाँव जौन बा आग में जल रहा बा। पिछला बार जब भई रहे घटना तो जातीय हिंसा यहाँ पर फैल रहे एक तरफ बाबू साहब रहे तो दूसरा तरफ यादव जी लो रहे और ओकरा के पूरा हवा देवे के कोशिश कर रहे बड़ा मुश्किल से प्रशासन और मामला के संभल रहे। बहरहाल एक बार फिर से हम हाजिर बनी हरिंदर यादव जी के घर पर आई बनी ये शोकाकुल परिवार बटे जहाँ पर एगो हत्या भइल बा वहाँ के पुत्र नीतीश कुमार यादव हमारा साथे बनी का मामला बा कैसे का भवे। मामला यह बा कि जब से देश आजाद हो रहा तब से वही लोग लगे सीट रहा मुबारकपुर गांव में रहा जरा से हमने एंटी बा। जब 2006 में जब पापा हमारे पहला बार चुनाव लड़नी केहू वोट दे के नाम तक तो भी ना जाने जे वोट केंगन दल जला लोग इतना भी ना जाने कि वोट केंगन दल जला। ओकरा बाद जितना भी इन्हें आस पास मुबारकपुर ना जितना आसपास होगा 10 कोस में जान जाई जो वो बेरी के जमाना में केहू ना रहे जमुना बेरी पापा हमार सब लोग के खातिर लड़ाई लड़नी कुर्सी पर लोग बैठे ना देव खटिया पर लोग ना बैठे देव घर में ही घुस जाओ लोग के उल्टा पुल्टा करो वो बेरी आज भी रहुआ कहीं यानी कहीं रहुआ जाके पता करे बैकवर्ड जाति में वहाँ के सब लोग बोली जे वहाँ के का अधिकार दिलवाइनी चाहे खास करके मुबारकपुर में पूछे हम तो आज मुबारकपुर में केहू सर उठा के चलता तो पपे के देन हो जो सब लोग सर उठा के चलता और जितना भी हमनी के बीन भाई सब लोग यहाँ के मुबारकपुर में चमार दुसाद सब लोग जितना भी बा सब लोग के हमनी के मिला के चल बानी सन। हाँ ये मुबारकपुर ना हर जगह चलनी सन वही बेरी से हमनी के राजनीति दुश्मनी भइल जे भाई इतना दिन से होके हमनी के वहाँ वो लोग चुनाव हार गए हमनी के चुनाव जितनी सन 2006 में 11 में 16 में जितनी सन अब वह लोग देख के अथी हो गई
जे भाई वो लोग पहले पहले भी बहुत प्रयास कैले रहा लो ए टाइप के, लेकिन वो सफल ना भइल। और वहाँ के गई रहनी नेवता में, नेवता में यही मुबारकपुर में गो दूधही टोला भाई जी, मुबारकपुर में भांगा टोला वही जी नेवता में। अब वही जी से कहाँ से पीछा लागल बने सन दूगो अपाची गाड़ी से, और आके फायर कर दिल बने पेट में, गोली लगा कोई गोली लगा दूगो गोली लगा। और इलाज के क्रम में मौत हो गई कि ले जात बड़ी ले जात बड़ी ले जात बड़ी। तो मत एक आदमी का अरेस्टिंग भइल बा केहू के? हाँ अरेस्टिंग भइल बा एक आदमी के, बाकी लोग खातिर छप है एक लड़का, बाकी लोग खातिर छापेमारी अभी जारी बा। और अभी बात भइल हमरा जे एस आई टी के यहाँ के दरोगा बानी रावत जी, वहाँ के लागल बानी पूरा एस आई टी के गठन भइल बा। हाँ एस आई टी के गठन भइल बा, आगे के छापेमारी जारी बा और जाँच होता जे अभी अभी के बारे में। एफ आई आर वगैरह बाई नेम भइल बा कि अज्ञात पर भइल बा? बाई नेम भइल बा, अज्ञात भी बा। के बा वो एफ आई आर में नाम लिखा गइल बा, प्रशासन के पास बा लिस्ट सब। देख ली ई राजनीति जौन बा, राजनीति देश में से शुरू भइ रहे देश में, राजतंत्र के हटा के जब लोकतंत्र लियावल गई तो ऐसे समानता के अधिकार मिले, सबकरा हक मिले, सभे समाज में सर ऊंचा करके जिए और सबका बराबरी के हक मिले, एक खातिर लोकतंत्र के मजबूत बनावल गई, संविधान में ये प्रावधान कल गई। और बाद भी अगर एकरा के कहीं ना कहीं रोकल जाता या हत्या करके अपराध के सहारा लेके अगर लोकतंत्र के हत्या कल जाता तो ये गुनाह बाटे। और रउआ रहुई हो दिन नहीं रउआ बताई का कुल आखिर ये झगड़ा बा कौन चीज के? राजनीति तहत झगड़ा भेल भाई, मर्डर भेल राजनीति तहत। हम मुखिया जी के साथे रहनी जी, साथे मोटरसाइकिल पर हम बैठे रहनी। हमने के नेवता कैले बन से टेघड़ा, आ टेघड़ा से आयल बन से दुधही टोला पर बांगर टोला। उजे से हमने के एक घंटा पौन घंटा रुकल बनी से 10 बजे के समय रहल, लमसम तनि कम होइ चाहे 10 बजे होइ। हम वहाँ चलल बनी से तब गायत्री माता एगो मंदिर अथी बा, वो मोड़ पर 3 आदमी बैठल बने, अपाची गाड़ी भी 3 आदमी बैठल रहने। तो हमने के सब कह रहा कि मैंने कि लोग ऐसे नहीं छाती से करी है ना, लोग बाबू साहब के लिखा रहा। बाद हम चल बन सके प्रशासन बा हाई स्कूल पर है ना, इस हम निडर रह सके प्रशासन बात केहू कुछ ना करी। प्रशासन से हमने के कम से कम 100 गज दूरी में आगे निकलें धोबी को डेरा बाट, धोबी लोग टोला। जैसे धोबी टोला पार कर देने से दू गो मैंने बाइक अवतारी से एगो बाइक आगे चल गई, आगे जाके ओकर धीमी गति अथी हो गई। हम मनियो कुछ मोटरसाइकिल धीमी गति बाइक आगे जो बाइक गई काहे धीमी हो गई है ना, लेकिन आदमी चिन्ह लें कि ओकर बाद पीछेला जो बाइक आई हमने के साइड से मैंने साइड में से आके गोली चला दिल आ दोनों मोटरसाइकिल चल गई सर। वो आदमी चिन्हित बाकी के आदमी रहा हमने के प्रशासन के नाम बतैले बनी सर, अगर प्रशासन में छेड़छाड़ करी तो हम दोनों मुतरम सर जरा चिन्हले बनी से जवाब करे हमने के नाम दिले बनी सर। गाड़ी रहुआ चलावत रहनी जी ना? मुखिया जी गाड़ी चलावत रहनी। अच्छा जी। और आगे से गोली चला ना साइड से हमने के मैंने कि हमने के साइड में दिले बनी सर, आगे वाली गाड़ी पर हमें शौक भले कि गाड़ी काहे रुकल हो फलान फलान आदमी हो। तब तक हमने के बाइक कुछ धीमे कितने भले तो ये बाइक आ गई दिया आके साइड से गोली चला बोलो, गोली चला के दोनों गाड़ी संग गली से आगे गोली दुए को चलल की ना दुए गोली चलल हमने गिर गई से बाइक से हाँ ना बोलो चल दे। प्रशासन कब आई? प्रशासन 10 मिनट के बाद, 100 गज दूरी प्रशासन रहल है ना, गोली कबाज सुनल तो 10 मिनट के बाद प्रशासन जाए। तब तक अपराधी तो मैंने भागी ले यानी कि ना, ओकर बाद हमने के फोन तोन कर अपने घरे गाड़ी मंगेनी से ओकर बाद लेके हमने के हॉस्पिटल चल गई सर है ना। 53 लोडिंग में प्रशासन जहाँ बा 53 लोडिंग में गाड़ी अवतरी सर, प्रशासन हथियार लेके प्रशासन मैंने क्या करते रहो कि चेक नहीं करते 53 लोडिंग के दिन खानी ऐसे पैसा कमा के। तो प्रशासन तो मैंने कि केहू के घेर के चेक करता है पैसा के करता, लेकिन प्रशासन के सामने वो अपराधी आएल बा
अभिलेख आदमी गिरफ्तार बा, प्रशासन में अगर छेड़छाड़ करी तो हम आंदोलन पुत्र सब सड़क जाम करम सब थाना जाम थाना के मन के हित करम सब जेकर नाम दिले बनी सब चिन्हित करके नाम दिले बनी सब मुख्य रूप से गवाह रहुए बनी जी रो बच्चे के रहे के बात कि जब अपराधी बड़ा सा जब कबो हत्या हो सके ता केहू के मैं टारगेट लोग बनावता लेकिन ठीक बा जैसे हम सच्चाई से मैंने पीछे ना हटे एक हाथी हमारा मर जाए मंजूर बा लेकिन जी आदमी बा हम मैंने कि वो सही चिन्हित करके बतैले बने प्रशासन वगैरह गिरफ्तार करे ना तो हम आंदोलन में उतरम सब प्रशासन 8 दिन का समय ले लेबा हमने देखते नहीं सो ना तो बाद 6 दिन के ना तो बाद हम आंदोलन शुरू करम सब ऐसा ऐसा पता चलल है लोग बताओ था कि हरिंदर यादव पे भी पहले से FIR वगैरह रहे जी हाँ रहा लेकिन वो केस सब इतनी बड़े 15 साल से मैंने मुख्य वो बड़े राजनीति में इतना मैंने कि छा गिर हैं बैकवर्ट के थी पर मैंने गरीब के मसीहा रहे हैं केहू के दुख सुख में मैंने को बुलाते वहाँ जाते रहे हैं है ना मुखिया जी के पास हर एक चीज़ की व्यवस्था बा दू गो स्कॉर्पियो बा लेकिन स्कॉर्पियो पर ना चलते रहे हैं मोटरसाइकिले से आज दूर दूर तक पंचायत कर जाते रहे हैं उनका बात में बहुत दम रहा वो बहुत मेहनत समय आदमी रहे हैं बैकवर्ड के मसीहा रहे हैं वो के चलते मैंने ये लोग चाहे कि हरिंदर यादव एक जाना तो विजय यादव संगे ये कई लोग कि विजय यादव मैंने कि चुनाव हर लें आ विजय यादव के बाप के हत्या भइल कि हरिंदर यादव पे लागी तो विजय यादव हरिंदर यादव के आदमी के नाम दे हलें ठीक है हमारा ना बुझाइल यहाँ दरार हो गई कि यादव मैंने कि दू पार्ट में हो गई फिर मैंने कि हरिंदर यादव के हत्या कल गई ऐसे कि हरिंदर यादव के आदमी विजय यादव के आदमी के नाम दिए हैं लेकिन विजय यादव के आदमी में नहीं खन इनमें गेम खेल बा राजनीति तहत कि हरिंदर यादव बैकवर्ड में सीएम अगर हट जाइए तो बिल्कुल एक छत्र हमने राज करम सब तो विजय यादव तो पूरा परिवार से जेल में जी हाँ लेकिन उनका आदमी पर आरोप मैंने प्रशासन मैंने कहा था चाहे वो लोग जे कहा था कि मैंने आरोप लगा जी जी अगर प्रशासन में जो उनके नाम दिले मैंने उसमें छेड़छाड़ प्रशासन करी है तो हमने को पाने दोनों पुत्र सब अच्छा प्रशासन हम देखनी है जौन काली माई के मंदिरवा के बाद स्कूलों में प्रशासन रहा तो प्रशासन वो जौन पिछला जब घटना भी रहा तब से लगातार बा कि फिर अभी जब हत्या भी रहा वो जब हत्या जब कांड भई रहा तब से प्रशासन जी मैंने चौकी हो गई दू गो चार गो आदमी जो रहा तरन प्रशासन जननी देखिए जब हत्या भइल बा मुखिया जी के हमने चल गए सदर अस्पताल प्रशासन द्वार पा के भूक दिल बिया है ना वो जी हमने ना बुझाइल कि रात में पुष्पाइन ना करे के चाहिए हमारे पर दबाव दे के हमारा साइन करा के मैंने कि रात में मैंने पुष्पाइन कर दिया गई इस तरीके के मैंने प्रशासन भी मैंने गलती के लिए बिया हमारे लोग हमारे जो रेथी रहा गर्जियो रहा मैंने ना जा पाल दिन के मैंने समय मैंने कि पुष्पाइन होके चाहिए वो लोग दबाव कह के हमारे मैं डरते में पुष्पाइन कर दे तो उसे क्या दिक्कत होला दिक्कत होला कि ना दिक्कत हो हमारे आदमी जाए तो मुझे जाम करती सो एक मांग करती जे घटना कैले बा जे अपराधी बाप करा के तुरंत मैंने गिरफ्तार कर जाए ना तो हमने के रूट जाम कर ले रहती सो है ना अभी लिए एक आदमी गिरफ्तार भइल बा बाकी अभी 5 आदमी फरार चलते रहे देखिए प्रशासन पर भरोसा बा प्रशासन क्या करता प्रशासन के रवैया कैसन बा जैसे यहाँ के बताइए कि SIT के गठन भइल बा छापेमारी हो रहा हाँ SIT टीम गठन भइल बा हमने प्रशासन में भरोसा बा कि हमने के जरूर न्याय मिली जे अपराध जो कैले बा अपराधी के मैंने कि पकड़ल जी हैं 6 दिन के हमने के प्रशासन समय दिल बाकी 6 दिन के अंदर मैंने हम गिरफ्तार कर लें तो देखी कैसे का होता 6 दिन में तो 3 दिन बीत गई जी 3 दिन अभी रह गई अगर जो हमने नाम दिले बनी सो वो नाम में अगर फेर बदल हुई तो हमने प्रदर्शन पर उतरम सो हमने चिन्हित करके नाम दिले बनी सो दबा भी आवा था कि बलिराम के हमने कथी कदम सो गोविंदर के तो हम उससे पीछे हटेल नहीं थी हमारे अगर कुछ हो जाए लेकिन उससे पीछे हटे लगे जे बा आदमी वगैरह हम सही चिन्हित कह के हम नाम दिले बने सारा अपराधी युवा जी जी अपराधी भी बड़े हैं उनमें आ 2 आदमी में षड्यंत्र रच के कनी के अति कैले बड़े आ वो आदमी संगे बड़े तो जो धराइल ल लई का धराइल बटे वो तो शायद जेल में सही लाले जी जी विजय यादव के पिता की हत्या में हां हां नाम लड़के के रहल वो लड़का पेशेवर अपराधी वह लड़का बाबू में ये देख ली पूरा मामला जोन बटे यहाँ पर जोन यहाँ लोग बतावत इन लोग अनुसार अगर देखल जाओ तो राजनीतिक मामला बटे और एक के तुल देवे के या
हम का कहीं यहाँ पर जातिगत हिंसा फिर से भड़कावे के कोशिश होता या जो भी होता, प्रशासन जौन बा SIT के गठन हुई बा तो SIT निष्पक्ष तरीका से एकर जाँच करो और जौन भी वो अपराधी बने जे भी दोषी बटे वो बक्से के ना चाहें, वो चाहे कोनो भी जाति धर्म समुदाय के होकस, इनमें कहीं कोनो यहाँ पर कोताही ना होके चाहें। या अगर राजनीति साधे की कोशिश होता कि हरिंदर यादव या विजय यादव में दुश्मनी हो जाओ या दुश्मनी बढ़ जाओ, तो अगर ये तरीका के बात बा फंसावे की कोशिश कर जाता तो प्रशासन पर निष्पक्षता से जांच करी तो सारा चीज जौन बा वो निकल के सामने आ जाई। सवाल यहाँ प्रशासन पर भी खड़ा होता कि जब वही गाँव में पुलिस के चौकी बन गई बा, पुलिस हमेशा रहती तब तो अपराधी इतना हिम्मत करके कैसे अपराध करते रहें, कैसे हत्या कर देता रहे। इस सवाल सारण SP से बा कि रउआ का करत नहीं राउर पुलिस का करती है, जवन गांव या पंचायत हाले फिलहाल जरल रल इतना बड़ त्रासदी झेल के गांव उबरल बा आ फिर से गांव में अगर इस तरह के खूनी खेल खेलल जाता तो वाकई में सरकार पर प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल बा। का ये साँचो सुशासन के सरकार हो या कुछ और हो? अगर प्रशासन मजाक बन के रह जाई तो फिर हमनी के या दूसरा के आम आदमी के केकरा पर भरोसा कर जाई आ केकरा से मदद मांगल जाई? तो प्रशासन पर उचित कार्यवाही करो, कोनो भी प्रकार के दबाव में ना आके, केहू के राजनीतिक दबाव ना हो, कोनो सामाजिक दबाव ना हो या आर्थिक दबाव ना हो, रउआ सबसे निष्पक्ष जाँच के निवेदन रही। फिलहाल ए मामला में आगे जवन भी हुई बतावे के कोशिश कर जाई। देखत रही मैच बॉक्स।